गुड़िया बिरहा सुनने वाले सब भैया लोग, यूट्यूब पे बिरहा सुनने वाले सब भैया लोग, हम गायिका राणा राव अम्बेडकर की ओर से अंजलि म्यूजिक के सौजन से यूट्यूब पे प्यार दुलार आशीर्वाद देने वाले आप सब भैया लोगन के ए राणा राव अम्बेडकर की ओर से बहुत बहुत सारा नमस्ते प्रणाम हो। आप लोग के बीच में तमाम बिरहा हमरे आवाज में गैल और आप लोग सुन ली, आप लोग आशीर्वाद देली, प्यार दुलार देली। और एक बिरहा अंजलि म्यूजिक की ओर से छोड़ तानी, कैसे मास्टर दान किए ते रही का इंतजाम आए बाबू। बात उस समय की मिली, बात उस समय की मिली जिस समय राम भगवान माता कैकेयी के चलते वनवास चल गेलन। माता कैकेयी जी काहे के लिए वनवास भेजली, अरे वाह, कि ताकि हमरे बेटा भरत के राज गद्दी मिल जाए। यही लिए बाबू माता कैकेयी जी राम भगवान के वनवास भेजली। राम भगवान वनवास जइहन तोहर मर बिला जइहन, अरे बेटा भरत के राज गद्दी मिल जाए। अरे बाबू जब राम भगवान वनवास चल गलन ए पंचो, बाबू दशरथ जी बेटा की याद में या करके पंचो प्राण को त्याग दिए। जब प्राण को त्याग देते हैं साथियों, तो राम भगवान 14 वर्ष के बाद जब अयोध्या नगरी की ओर एलन, तो पता चलल कि हमारे बाबूजी ए दुनिया में ना रह गेलन। ए भैया हो तो बाबूजी के याद में आ करके राम भगवान तेरही का दिन रखलन। आ तेरही के दिन रखतलन गांव जवार टोला मोहल्ला में बाबू नेवता भी भेजवा देलन। आ जब नेवता भेजवा देलन तो एक लाइन गीत लग गेल मास्टर। कौन गीत था? अरे सरंगिया वाले कह, अरे सरंगिया वाले कह डेरावा बताई दे रे छोटा की नाना दी। राम भगवान अपने बाबूजी का तेरही का दिनवा रखलन। और वो तेरही में के आवत था के दे करके नेवता भावा नावा, अरे दे करके नेवता भावा नावा हो जनावा देहले ये राघुबा। लेकिन के आए
सारे गांव जवार के लोग आए बाबू भोजन करने के लिए अयोध्या नगरी में प्रभु भोलेनाथ जी के दरवाजे पर। बूढ़ जवान बच्चा लोग अलन, लेकिन वही सभा में प्रभु भोलेनाथ जी भी अपन रूप धारण करके अब पात में जाके बैठत अलन भोजन करे बदे के। अरे बाबू भोजन करे बदे के जब बैठलन तो भाईल का मास्टर गीत लग गई। देखा ही अपन खानदानी गीत है। अपने जमाने में स्वर्गीय रामदेव गुरु जी एक गीत के बड़ा लहरा के गाँव है। कैसे कैसे कचौड़ी गाली सुन कैला रजऊ अरे सुन कैला रजऊ ओ सुन कैला रजऊ की कचौड़ी गाली सुन कैला रजऊ मिर्जापुर के कैला गुलजार हो कचौड़ी गली सुन कैला रजऊ अरे बाबू गांव जवार के लोग भोजन करे बदे के वहां पे अलन प्रभु भोलेनाथ जी भी ओ सभा में बैठल हुआ पात में बैठल हुआ लेकिन एगो काम बिगाड़ तलन। वो कौन काम बिगाड़ तलन भैया? यहाँ राम भगवान जान गएलन कि हमरे दरवाजे पर प्रभु के दर्शन हो गई। कह तलन का कह तलन अरे धन भाग आई गईले बुढ़ऊ भाग आई गई ले बुढ़ऊ त देख लीला राम रसाय हो की धन भाग आई गई ले बुढ़ऊ लेकिन वो पात में बैठा तलन है भैया। जब पतिया में बैठलन तो एगो काम बिगाड़ तलन हो कैसन काम बिगाड़लन भोजन करते शिव जी अरे बेकार लागे बात हो भागयाई गई ले बुढ़ऊ धन भागयाई गई ले बुढ़ऊ तो सती पासा राम गई ले धाई होगी धन भागयाई गई ले बुढ़ऊ बहुत लोग भोजन करे बदे के पात में बैठलन लेकिन जे परोसे वाले भैया रहलन जितना बुनिया पूरी रसेदार आवे अकेले
प्रभु भोलेनाथ जी खेले जातल कलन के भैया उन्हें लोग कहाँ जाता ला? पहले लिया भाई ने पहले हमार पेट भरिए करे बाद दूसरे के पेट भरी खाते खात खाते खात बाबू अघैते नहीं खर थपक राम भगवान परेशान हो गए और रे बाप जितना हम लोगन के बलौले बानी अपने दरवाजे पे भोजन करे बदे के आई एको पूरी उन लोग के पाथ में ना जात बा लगता हमारे अयोध्या नगरी का पूरा मर्यादा ले ली है प्रभु परेशान हो गलन घबरा घबरा करके प्रभु भोलेनाथ जी सती के पास गए सती जी के पास जा करके कलन का मास्टर गीत बदल गई आय हाय 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 क्या बात है ये अपने जमाने में स्वर्गीय रामदेव गुरुजी और बुल्लू गुरुजी के जब विवाह होखे तब बड़ा कटौती होखे बुल्लू गुरुजी के जब बारी आवे तब गावे कैसे गावे तब गोरिया मुश्किल भजी तेरी गली अरे तेरी गली तेरी गली तेरी गली तेरी गली तेरी गली में हाँ तेरी गली में मजा पर हो महीनू तेरी गली में एक तो बुल्लू गुरुजी गाँव है आज जब रामदेव गुरुजी का बारी आवे भाई ना भैया एक हाथ ठेहुना पर लगावा एक हाथ काने पर लगावा कहा कि ये बुल्लू देखा ला हवे चला थी भाई अल्लाह जाई तो शेरे बाटी अन्ना लही सवा शेर तो है ये का कहे तनी गले खोलू से पीन तेरी गली तेरी गली तेरी गली में हाँ तेरी गली में चप पसीनो अरे बाबू प्रभु राम भगवान माता सती जी के पास जा करके अपन दोहाई कहतालन का कहतालन भैया कौना भाव में कहतालन हो चल के माता भवानी पानी रख अरे पानी रख पानी रख पानी रखला हाँ पानी रखला नहीं माने भोले दानी पानी रखला राम भगवान जा करके माता सती जी के पास कलन की माँ माँ का आवाज जब माता सती जी सुन ली बाबू तो कलनी की बेटा तुम कौन हो कैसे आना पड़ा मेरे दरवाजे पे मेरे शरण में आए हाय इतना बात राम भगवान कलन कलनी की माता मैं राम राम तुम राम हो बताओ बेटा क्या परेशानी है कैसे तू मेरे शरण में आया बेटा आए हाय इतना बात जब राम जी सुने बाबू कलन की माँ बाबू जी को तेरे का दिन रख ले बानी और गांव जवार के लोग हमारे दरवाजे पे बाबू जी के नाम पर अलन भोजन करे बदे के लेकिन प्रभु भोलेनाथ जी जा करके एगो काम बिगाड़ तलन का काम बिगाड़ तलन अरे बिना पेट भरे मेहमान अगर जई है हमारे अयोध्या के मान कैसे रही है हो मान कैसे रही है
बताइए बाबू, यही बात राम भगवान कहे कि माता जी हमारे दरवाजे पे लोग भोजन करने के लिए आए हैं, लेकिन प्रभु जी जे भी भोजन ले करके आवत हो पात में लगाओ बदे के सारा भोजन अकेले प्रभु जी कहले जाता लन। और यदि माता जी हमारे अयोध्या नगरी से बेखाए लोग चल जाए हम तो हमार और हमारे अयोध्या नगरी का कितना अपमान हुई और कितना बड़ा बेइज्जती हुई। आए है ये बाबू, इतना बात माता सती जी जब सुनती है साथियों तो हुआ क्या, खड़ी में बतावल गई। क्या बात है, क्या बात है? अरे माता महारानी अपने शिवा के मनाए जा, श्री रामचंद्र जी माता सती से सारी बात को बताए, माँ यदि मेरे दरवाजे से बेभोजन किए सारे लोग चले जाएंगे तो मेरा कितना बड़ा अपमान होगा और मेरे अयोध्या नगरी का बहुत भारी अपमान होगा। माता जी श्री रामचंद्र भगवान के बात सुन ली और एक बात और ही राम भगवान कहलन, का कहलन भैया? राम भगवान जी माता सती जी से कहलन कि माई चल करके हमरे अयोध्या नगरी का मर्यादा बचा ले। और का कहलन भैया? जब राम भगवान के बात सुनली माता सती जी तो कहली का बन के अनपूरा सती भोजन बनवली तृप्त हुए सिवाए मारी याद बचावली। तस्व कहे राम से अरे मांगना पार नगरिया ए पंचो यावधा नगरिया भोजन कर। यहाँ माता सती जी अन्नपूर्णा का रूप बना करके भोजन बनौली और भोजन बना करके थाल में सजा करके दिली के राम ले जा प्रभु भोलेनाथ जी के देदा। ए भैया राम भगवान जी जब सुनलन थाली के भोजन ले जा करके प्रभु भोलेनाथ जी के देलन, अब प्रभु भोलेनाथ जी एक रोटी में से आधी रोटी जो ही मुंह में डाला तलन बाबू तब से पेटवा गई। और जब पेटवा भर गई तो कहन कि राम
ऐसा ना कि अभी थाली हटा दा, अभी भोजन आगे में से हटा दा। ए भैया, तो राम भगवान सोचे लगल कहन के काहे प्रभु अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी रसेदार बाकी बा, गुलाब जामुन बाकी बा, इतना बात जब राम भगवान कहलन कहे कि ना भैया, अरे ना प्रभु ना, हम समझ गए कि आप हमके पहचान लेला, लेकिन कुछ मांगन मांगा। राम भगवान कहलन कि काम मांगन बागी प्रभु, देवले चाहत हैं। तो सुने का कहलन भैया, बोले श्री राम चाही भक्ति का खजानवा, सेवा में चाहिए प्रभु रावू ना चरणवा, तय अपने सेवा के दया नगरिया, ए बाबू अवधा नगरिया भोजन कराए जाय, अवधा नगरिया जी हाथ जोड़ के करण की प्रभु जोन हमरे साथ में कर ली और भक्तन के साथ में ऐसा काम मत करी है। आई आप देवल भी चाहते हैं तो आप हमरा के अपने चरण का धूर थोड़ा सा दे रही, यही में हमार जीवन तारन तार हो जाए। अरे बाबू, यही से कहानी समाप्त भइल, घराने के पर्चे लगल भैया। गुरु गणेश राम लाल बचन पुजारी, राम कवि चंद्रिका कसी चे फूलवारी, नगरिया ए भैया अवधा नगरिया भोजन कराए जाय, अवधा नगरिया।